कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक सप्ताह पहले गांव मदीना में जिन किसानों, मजदूरों, बच्चों और महिलाओं के साथ खाना खाया था, उनको शुक्रवार को दिल्ली अपने आवास पर बुलाया। 43 महिलाओं, मजदूरों और उनके बच्चों ने राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के साथ दिल्ली में उनके आवास पर लंच किया। महिलाओं ने गीत गाते हुए राहुल गांधी के आवास में प्रवेश किया, बाद में वहां पर भोजन किया। राहुल गांधी 8 जुलाई को अचानक बरौदा हल्का के गांव मदीना में पहुंच गए थे। उन्होंने किसान संजय के खेत में ट्रैक्टर चलाकर मजदूरों के साथ मिलकर धान की रोपाई भी की थी। इसके बाद उन्होंने चारपाई पर बैठकर किसानों और मजदूरों के साथ भोजन किया था। मजदूर जो टिफिन लेकर आए थे उसमें से ही राहुल गांधी ने उनके साथ भोजन किया था। गुरुवार शाम को बारौद हल्का के विधायक इंदुराज नरवाल के पास राज्यसभा सदस्य दीपेंद्र हुड्डा ने फोन किया कि मदीना में जिन महिलाओं, बच्चों और मजदूरों और किसानों के साथ राहुल गांधी ने भोजन किया था, शुक्रवार को उनको दिल्ली राहुल गांधी के निवास पर ले आए। शुक्रवार को महिलाएं, बच्चे और मजदूर बस में राहुल गांधी के निवास पर पहुंचे। वहां राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के साथ उन्होंने भोजन किया। लंच के बाद महिलाओं ने राहुल से कहा कि आपने जो वादा किया था वो निभाया, आपको हमने सूखी रोटी खिलाई थी और आपने हमें अपने घर बुलाकर शानदार भोजन करवाया। इसके बाद राहुल गांधी और महिलाओं और मजदूरों के बीच काफी देर तक चर्चा चलती रही। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।